मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ME 304 सीएनसी मशीन एंड ऑटोमेशन। ऑटोमेशन का हिंदी में मतलब होता है स्वचालन। उसमें यूनिट फर्स्ट है हमारा इंट्रोडक्शन, तो उसमें जो एनसी मशीन है, सीएनसी मशीन है, डीएनसी मशीन है, इन सब का इंट्रोडक्शन है। तो आज हम देखेंगे एनसी मशीन के बारे में। एनसी मशीन है वह हमारी जो कन्वेंशनल टाइप की मशीनें हैं, जो पारंपरिक मशीनें हैं, उनसे किस प्रकार अलग है ये हम देखेंगे। तो जो हमारी कन्वेंशनल टाइप की जो मशीन है, उसमें क्या होता है कि जो ऑल ओवर वर्क है, मतलब पूरा उसमें वर्क है, जैसे हमें कोई ऑपरेशन करना है, टर्निंग करना है, फेसिंग करना है, तो जो पूरा ऑल ओवर वर्क है वो मैनुअली किया जाता है। जैसे उसमें कोई भी वर्क पीस है हमारा, उसकी पोजिशन को सेट करना, टूल को सेट करना, स्पैंडल को ऑन ऑफ करना, कटिंग स्पीड रेट को चेंज करना, फीड रेट देना, कूलेंट ऑन ऑफ करना, ये सारा जो प्रोसेस है हमारा जो कन्वेंशनल टाइप की मशीन है उसमें मैनुअली किया जाता है। जैसे आज हम देखते हैं कि ये हमारी कन्वेंशनल टाइप की लेथ मशीन है, तो इसमें क्या होगा, ये हमारा हेड स्टॉक है और ये टेल स्टॉक है। हेड स्टॉक में हमारा ये चक फिट होता है और फिर इसके बाद में ये टेल स्टॉक है, ये हमारा मूवेबल होता है। तो अगर हमें कोई ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे कि जो हमें प्रोडक्ट हमें कुछ दिया हुआ है बनाने के लिए, तो हम उस ऑब्जेक्ट को सबसे पहले इस चक में हम होल्ड करेंगे। फिर इसके बाद में जैसे हमें सपोज टर्निंग ऑपरेशन करना है, तो हम क्या करेंगे, टर्निंग के लिए जो भी टूल है हमारा, ये हमारा जो टूल पोस्ट है उसमें होल्ड करेंगे, क्योंकि उसमें जो की होती है उसकी हेल्प से उसको इस टूल पोस्ट के अंदर हम फिट कर देंगे। फिर इसके बाद में ये हमारा जो हैंड व्हील है, इसके थ्रू हम ये पूरा हमारा ये कैरिज कहलाता है, इसको हम फीड दे सकते हैं, इसको मोशन करा सकते हैं इस हैंड व्हील की हेल्प से। जब हमने इसको कोई भी हमारा जो वर्क पीस है उसको हमने चक में होल्ड कर दिया, फिर इसके बाद में हम उसको सेंटराइज करेंगे, मतलब पूरा सेंटर में है या नहीं है ये सारी चीज़ें चेक करेंगे। फिर इसके बाद में इस टूल पोस्ट में टूल को होल्ड करने के बाद में हम इस डेड सेंटर के थ्रू ये टेलीस्टॉक, इसके थ्रू हम क्या करेंगे, टेलीस्टॉक में डेड सेंटर लगा हुआ, इसके थ्रू हम क्या करेंगे, जो टूल है उसको सेंटराइज करेंगे। फिर इसके बाद में हम इस कैरिज को हैंड व्हील के थ्रू हम मोशन देंगे, फिर इस वर्क पीस के पास में हम टच करवाएंगे और फिर इसके बाद में ये पूरा मूवमेंट होगा। ठीक है, हम फीड देते रहेंगे तो टर्निंग ऑपरेशन होता रहेगा, फीड भी हमें देना है। ठीक है, तो ये सारा जो प्रोसेस हमने कूलेंट को कूलेंट वगैरह करना, ऑन ऑफ करना, उसको स्पैंडल की स्पीड को चेंज करना, इसको फीड देना, ठीक है, ये पूरा जो वर्क है हमारा जो कन्वेंशनल टाइप की मशीन में हमारा क्या होता है, उसमें मैनुअली किया जाता है। तो जो एनसी मशीन है उसमें क्या होता है हमारे, कि अगर जैसे अभी क्या हो गया है कि इंडस्ट्री में आजकल प्रोडक्शन कॉस्ट और साइकिल टाइम को हम चाहते हैं कि वो कम से कम हो, तो उसके लिए साइकिल टाइम को कम से कम करने के लिए एनसी मशीन और जो सीएनसी मशीन है उसकी खोज की गई थी। सबसे पहले एनसी और सीएनसी मशीन अप्रोक्सीमेट 1940-50 के दशक में बनी थी, और उसके बाद क्या हुआ कि जो हमारा कंप्यूटर है उसका इन्वेंशन हुआ, उसके उसमें मॉडिफाई किया, फिर इसके बाद में मतलब जो भी हमारी इस सीएनसी और सीएनसी मशीन है उसमें कुछ मॉडिफाई किया, और इसके बाद में हमारे कंप्यूटर की खोज की गई, और उस एनसी मशीन की जगह कंप्यूटर की खोज होने के बाद में सीएनसी मशीन ने ले ली। ठीक है, जो हमारा एनसी मशीन है उसका एनसी का फुल फॉर्म होता है हमारा न्यूमेरिकल कंट्रोल। अब हम इसके बारे में देखेंगे जो एनसी मशीन है। तो एनसी न्यूमेरिकल कंट्रोल इज अ फॉर्म ऑफ प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन इन विच द मैकेनिकल एक्शंस ऑफ अ मशीन टूल्स और द अदर इक्विपमेंट आर कंट्रोल्ड बाय अ प्रोग्राम कंटेनिंग कोडेड अल्फा न्यूमेरिकल डाटा। अब इसमें क्या होता है हमारे,
हम क्या करते हैं कि हमें जैसे कोई ऑपरेशन करना है, जैसे टर्निंग ऑपरेशन करना है, तो हम क्या करेंगे कि जो भी हमें ऑपरेशन करना है उसके अकॉर्डिंग एक प्रोग्राम पूरा तैयार करते हैं। तो वो जो प्रोग्राम होगा क्या होगा, उसमें नंबर्स, सिंबल और जो अल्फा न्यूमेरिक डाटा होगा, तो उस उन सब का सेट को लेके हम एक प्रोग्राम तैयार करेंगे, एक कोड तैयार करेंगे, वह हमारा कहलाता है पार्ट प्रोग्राम। तो अब इसमें क्या होगा कि वो प्रोग्राम पूरा तैयार करने के बाद में हमारा एक पंच टेप होता है, पंच टेप के ऊपर हम उस जो भी हमने प्रोग्राम बनाया है उसको हम फीड करेंगे, और फिर इसके बाद में एक टेप रीडर होगा। टेप रीडर की हेल्प से जो भी हमने प्रोग्राम पूरा पंच टेप के ऊपर फीड किया है, उस टेप रीडर उसको रीड करेगा जो भी हमने कोड दिया है। ठीक है, पंच टेप के ऊपर जो भी हमने कोड दिया है उसको क्या करेगा, वो टेप रीडर है वो रीड करेगा, और उसके अकॉर्डिंग ही पूरा जो एनसी मशीन है वो वर्क करेगी। तो न्यूमेरिकल कंट्रोल प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन का रूप है, यह क्या है, प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन मतलब स्वचालन का रूप है, जिसमें मशीन टूल या अन्य उपकरणों की यांत्रिक क्रियाओं को कोडेड अल्फा न्यूमेरिकल डेटा वाले प्रोग्राम द्वारा कंट्रोल किया जाता है। इसमें हम जैसे प्रोग्राम बनाते हैं पूरा, वो कोड तैयार करते हैं, जैसे हमें कुछ ऑपरेशन करना है तो हम क्या करें, पूरा जो प्रोग्राम बनाएंगे तो वो हमारा एक कोड हो जाता है। ठीक है, वो किसका मतलब किसका सेट होगा, नंबर्स, सिंबल और अल्फा न्यूमेरिक। ठीक है, तो इन सब का सेट को मिला के हम प्रोग्राम तैयार करेंगे, वो हमारा कोड कहलाता है। तो उसी के अकॉर्डिंग, उस कोड के अकॉर्डिंग ही मशीन टूल को और जो अन्य इक्विपमेंट हैं उनको कंट्रोल करता है कौन, एनसी मशीन। न्यूमेरिकल कंट्रोल रेफर टू द मेथड ऑफ कंट्रोलिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन बाय मींस ऑफ डायरेक्टली इंसर्टेड कोडेड न्यूमेरिकल इंस्ट्रक्शन इनटू द मशीन टूल। न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन टूल में सीधे कोडेड संख्यात्मक निर्देशों के माध्यम से विनिर्माण संचालन को नियंत्रित करने की विधि को संदर्भित करता है। अब हम देखेंगे इसमें जो एनसी मशीन है उसके कंपोनेंट, या एनसी सिस्टम है हमारा, उसके कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। इसमें हम एक और डेफिनेशन दे सकते हैं न्यूमेरिकल कंट्रोल की, कि न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन मे बी डिफाइंड एज द मशीनर इन विच पोजिशन ऑफ द टूल स्पलेंडर ऑन ऑफ कटिंग स्पीड रेट फीड रेट कूलेंट ऑन ऑफ एक्सेट्रा कंट्रोल ऑटोमेटिकली अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम। तो न्यूमेरिकल कंट्रोल जो मशीन है इसमें क्या होता है कि जो हमारा वर्क पीस है और टूल है, इसकी पोजिशन को सेट करना, स्पलेंडर ऑन ऑफ करना, कटिंग स्पीड को चेंज करना, फीड रेट देना, कूलेंट ऑन ऑफ, ये सारा किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, जो हम प्रोग्राम बनाते हैं उसके द्वारा ऑटोमेटिकली कंट्रोल किया जाता है न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन में, ये और हम एक डेफिनेशन दे सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे इसमें कि कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं एनसी मशीन के, एनसी सिस्टम के। सबसे पहला हमारा है पार्ट प्रोग्राम, सेकेंड है मशीन कंट्रोल यूनिट, और थर्ड है हमारा मशीन टूल। सबसे पहले हम देखेंगे पार्ट प्रोग्राम। पार्ट प्रोग्राम हमारा क्या होता है, अ सेट ऑफ कोड इंस्ट्रक्शन नंबर्स सिंबल एंड अल्फा न्यूमेरिकल। जो हमारा जो कोड बनाते हैं हम, किस किस का सेट होता है, ये नंबर सिंबल और अल्फा न्यूमेरिकल। ठीक है, तो जैसे बोला था पहले कि जो टर्निंग ऑपरेशन हमें करना है तो हमें क्या करना है, पूरा प्रोग्राम तैयार करना है। तो वो प्रोग्राम किससे तैयार होगा, ये सारे सिंबल को मिला के, नंबर सिंबल और अल्फा न्यूमेरिकल को सबको मिला के एक कोड तैयार होगा हमारा। ठीक है, तो ये हमारा जो कोड तैयार होगा वह हमारा क्या कहलाता है, पार्ट प्रोग्रामर। तो जो पार्ट प्रोग्राम है हमारा वो एक तो मैनुअली तैयार किया जाता है, मतलब किसी पर्सन के द्वारा, किसी ऑपरेटर के द्वारा मैनुअली तैयार किया जाएगा पूरा जो प्रोग्राम है वह, और दूसरा होता है हमारा जो भी हम प्रोग्राम तैयार कर रहे हैं वो कंप्यूटर की हेल्प से हम अगर प्रोग्राम तैयार कर रहे हैं तो वह हमारा कहलाएगा कंप्यूटर पार्ट प्रोग्राम। और इस प्रोग्राम को जो
तैयार करेगा वो हमारा कहलाएगा पार्ट प्रोग्रामर। ठीक है, ये हमारा जो पूरा प्रोग्राम मतलब पूरा जो बनाएगा इस प्रोसेस को मतलब इस पूरे प्रोग्राम तैयार करेगा वह हमारा कहलाएगा पार्ट प्रोग्रामर। ठीक है, ये मैनुअली भी तैयार किया जाएगा और कंप्यूटर की हेल्प से भी तैयार किया जाता है। इसके बाद में हमारा है मशीन कंट्रोल यूनिट। मशीन कंट्रोल यूनिट में हमारा ब्रेन ऑफ एनसी सिस्टम है, यह इसमें टेप रीडर होगा और सेकंड है हमारा सर्वो मोटर। ठीक है, अब हमने जो भी प्रोग्राम पूरा तैयार किया है उसको हमने क्या किया, हमारा एक जो पंच टेप होता है उस पे उस प्रोग्राम को हमने इंस्ट्रक्ट किया मतलब उसको निर्देश दिया। इसके बाद में उस जो प्रोग्राम हमने दिया है पंच टेप के ऊपर उसको क्या करेगा कि जो टेप रीडर है वह हमारा क्या करेगा, उसको रीड करेगा। टेप रीडर पूरा उस प्रोग्राम को रीड करेगा जो हमने कोड दिया है। ठीक है, उसमें क्या होगा, एक टेप होता है, टेप के ऊपर क्या होता है, होल होते हैं। ठीक है, उस होल के ऊपर हम जो हमने तैयार किया है पूरा प्रोग्राम कोड हम उस पर देंगे। तो उसमें एक टेप रीडर होगा, उसको पढ़ने के लिए रीडर भी चाहिए तो एक टेप रीडर होगा हमारा। तो वो टेप रीडर क्या करेगा, जो हमने कोड दिया है उसको रीड करेगा। और दूसरा काम टेप रीडर का क्या होगा, जो भी हमने कोड दिया है उसको इलेक्ट्रिकल पल्स में कन्वर्ट करेगा। इलेक्ट्रिकल पल्स में कन्वर्ट करने के बाद में वो क्या करेगा, जो मोटर है उसको ट्रांसफ़र करेगा। जो मोटर है वो क्या करेगी फिर इसके बाद में, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिकल पल्स जो हमने दिया है मतलब जो भी इलेक्ट्रिकल पल्स दिया उसके अकॉर्डिंग जो मोटर है वो क्या करेगी, वर्क करेगी। ठीक है, इसमें क्या हो गया, मशीन कंट्रोल यूनिट में हमने जो भी प्रोग्राम पूरा तैयार किया है हमने, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा ये पंच टेप होता है उसके ऊपर हम प्रोग्राम को इंस्ट्रक्ट करेंगे। फिर इसके बाद में जो भी हमने प्रोग्राम या जो भी हमने कोड दिया है उस टेप रीडर को मतलब जो कोड दिया है ना टेप रीडर उसको क्या करेगा, रीड करेगा। टेप रीडर का एक तो काम होता है जो भी हमने कोड दिया उसको रीड करना, दूसरा काम होगा जो भी हमने कोड दिया है उसको इलेक्ट्रिकल पल्स में कन्वर्ट करेगा। इसके बाद में क्या करेगा, उस मोटर को ट्रांसफर करेगा। तो मोटर का क्या काम होगा, जो भी इलेक्ट्रिकल पल्स है उसी के अकॉर्डिंग जो मोटर है वो वर्क करेगी। मोटर का मूवमेंट किस किस से होगा, एक तो टूल से भी हो सकता है, स्पैंडल का मूवमेंट भी होगा उससे और वर्क पीस की मूवमेंट भी होगी। ठीक है, ये किसका काम होगा, हमारे मशीन कंट्रोल यूनिट का। इसके बाद हमारा है ये सर्वो मोटर। सर्वो मोटर हमारा क्या करेगा, ये जो पंच टेप के ऊपर हमने कोड दिया है उसको क्या करेगा, सर्वो मोटर में क्या काम होगा पूरा, कि जो पंच टेप के ऊपर हमने कोड दिया है वो टेप रीडर पढ़ेगा। टेप रीडर के बाद में वो किसको करेगा, ये मोटर को। मोटर के बाद में वो एनसी मशीन को चलाएगा। तो एनसी मशीन क्या करेगी, बाद में देखिए क्या हो रहा है, हमारे पूरा प्रोडक्ट तैयार हो रहा, आउटपुट मिल रहा है। तो उस आउटपुट जो हमारा मिल रहा है उसको बाद में देखिए क्या करना है, उसको चेक भी करना है कि हाँ ठीक है, जो भी हमने इलेक्ट्रिकल पल्स दे रहे हैं, जो भी हम इनपुट दे रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग ही प्रोग्राम बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो ये सारा काम बाद में रहकर सर्वो मोटर की हेल्प से हम देखेंगे। तो फीडबैक सिस्टम बाद में रहकर होगा, तो वो हमें चेक करना होगा कि जो हम दे रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट तैयार हो रहा है, उसी के स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट बन रहा है या नहीं बन रहा है। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या है, मशीन टूल है। मशीन टूल जो हमारे होते हैं, जो मशीन है इसके बाद में मशीन टूल कनेक्ट होते हैं। तो ये सब एनसी जो मशीन है उसके कंपोनेंट है। इसके बाद हम देखेंगे जो एनसी मशीन है उसके एडवांटेज क्या क्या होंगे। अब जो हमारा वो वाली जो मशीन थी कन्वेंशनल टाइप की, ठीक है, उसमें क्या होता था कि जो प्रोडक्टिविटी वो कम होती थी, मतलब इतना हम वर्क नहीं कर पाते थे। तो एनसी मशीन पूरा ऑटोमेशन है, मतलब ऑटोमेटिकली उसमें काम होता है, तो इसकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। और इसमें जो लेबर है उसकी डिपेंडेंस भी कम रहती है, तो उसकी वजह से लेबर की कॉस्ट वो भी हमारी कम आती है। अगर लेबर हमें अवेलेबल नहीं है तो उसकी वजह से होने वाले जो लॉसेस है वहाँ भी हमारे कम होते हैं। ठीक है,
तो इसमें क्या होगा कि जो वर्क है वो ऑटोमेटिकली हो रहा है, तो उसकी वजह से जो प्रोडक्ट हमारा जो तैयार हो रहा है उसकी क्वालिटी है वह भी अच्छी होगी कन्वेंशनल मशीन के कंपैरिजन में। और जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग लीड टाइम है, हमारा मैन्युफैक्चरिंग लीड टाइम हमारा क्या होगा, जो भी हमारा प्रोडक्ट तैयार हो रहा है इनिशियल से लेके स्टार्ट तक, मतलब लास्ट तक जब तक प्रोग्राम मतलब हमने स्टार्ट किया है और जब तक पूरा बन नहीं जाता, तो वह हमारा पूरा टाइम क्या कहलाता है, मैन्युफैक्चरिंग लीड टाइम। तो वो वाला टाइम जो है हमारा मैन्युफैक्चरिंग लीड टाइम, वो भी एनसी मशीन में कन्वेंशनल मशीन के कंपैरिजन में कम लगता है। ठीक है, ये इसके एडवांटेज हैं। अब इसके डिसएडवांटेज भी हैं। डिसएडवांटेज में पहला हमारा है पंच टेप गेट डैमेज आफ्टर नंबर ऑफ यूज़। अब जो हमारा जो पंच टेप है वो हम बार बार यूज़ में लेंगे, तो उसकी वजह से जो पंच टेप है वह हमारा क्या होता है, डैमेज भी हो जाता है। तो पंच टेप रीडर आर नॉट सो रिलायबल, जो पंच टेप रीडर है वह हमारा रिलायबल नहीं है। ऑनलाइन चेकिंग एडिटिंग ऑफ प्रोग्राम इज़ नॉट पॉसिबल। अब इसमें क्या हो जाएगा, जैसे हम एक बार प्रोग्राम हमने स्टार्ट कर दिया है, प्रोसेस मतलब एक बार कोई प्रोसेस हमने स्टार्ट कर दिया है, तो इसके बाद हमें अगर बीच में चेक करना है कि भाई सही बन रहा है नहीं बन रहा है, उसमें एडिटिंग भी अगर हमें करनी है, तो वो एनसी जो मशीन है उसमें पॉसिबल नहीं है। ठीक है, फर्दर टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव एज इट रिक्वायर्ड चेंज ऑफ हार्डवेयर। अब क्या हो रहा है कि जो टेक्नोलॉजिकल है वो डे बाय डे मतलब उसमें बढ़ी रही है, तो उसकी वजह से इसमें जो एक्सपेंसिव ज़्यादा है ये एनसी मशीन। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।